उज्जैन जिले के अंदर इस समय उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन के बाद घर घर और शहर शहर का महिला बाल विकास के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षक ड्यूटी में लगे हुए हैं और रिपोर्ट कंप्लीट कर रहे हैं कि किस घर में किस परिवार में कितने लोग बीमार हैं और कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण हैं, ताकि बीमारियों पर काबू पाया जा सके और मरीजों का उपचार उनके पास ही के सेंटर्स पर किया जा सके और साथ ही गंभीर मरीज का उपचार उज्जैन जिला स्तर पर हो सके और वह स्वस्थ हो सके और समय पर उपचार के माध्यम से उसी को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह भी पूरे उज्जैन शहर और तहसीलों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था सहित सेंटर्स का निरीक्षण कर व्यवस्था बना रहे हैं और देख रहे हैं उपचार व्यवस्थाओं को। सर, किल कोरोना अभियान के तहत किस प्रकार से काबू पाया जाएगा और किस प्रकार से व्यवस्थाओं को रहेगा? यहाँ पर हमारे और एसपी साहब के द्वारा विजिट करी गई है और यहाँ पर जो एसडीएम हैं और आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं पहले तो बड़नगर को बधाई देना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर बड़नगर के तहत ये जो बस स्टैंड को एक तरीके से पूरी तरीके से कोरोना के प्रॉपर अस्पताल में कन्वर्ट किया कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है और कोरोना से लड़ाई में ये न केवल बड़नगर के लिए बल्कि ज़िले के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कई सारे पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं और एक दो यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो जिला स्तर से दूर की जानी है, चाहे वो रेफरल का सिस्टम हो, ऑक्सीजन का सिस्टम हो, उन लोग जिला स्तर से निश्चित रूप से उनको दूर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो एक कोरोना का अभियान चलाया गया है वो यहाँ पर भली भांति चल रहा है और जैसा अभी एसडीएम ने जानकारी दी कि दो व्यक्ति ऑलरेडी ये लोग घुड़ चुके हैं जो कोरोना से ग्रस्त थे, उनको पता नहीं था, उनका 85 और 83 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल था, उनको उन टीमों ने ढूंढ निकाला, उनका प्रारंभिक इलाज किया और आज वो काफ़ी स्वस्थ हो गए हैं। तो दिखाता है कि हमारा ये अभियान कितना प्रभावी रहेगा। इससे न केवल संक्रमण की चेन ब्रेक होगी बल्कि जो मरीज गंभीर स्थिति में पहुँच जाते हैं उसमें भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं पूरे स्थानीय प्रशासन का, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पर उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और यही प्रयास जारी रहे। तो मुझे वॉइस ऑफ राइट्स के उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।